जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिसके संगम से आपका जीवन बनेगा सुंदर, स्वस्थ, निरोग और संपन्न। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। आज हम आयुर्वेद समाधान में आपको बताने जा रहे हैं कि जलने पर तुरंत क्या करें ताकि ना तो छाले पड़े और ना ही त्वचा को ज्यादा नुकसान हो। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, कभी भी आपको जलने की परेशानी ना हो और आप हमेशा यूं ही स्वस्थ बने रहें। लेकिन अगर फिर भी गलती से कुछ गर्म गिर जाता है या फिर आप कहीं भी जल जाते हैं तो आप तुरंत ये उपाय करेंगे तो ना तो छाले पड़ेंगे और ना ही आपकी त्वचा को कोई बड़ा नुकसान होगा। जले हुए स्थान पर आलू पीसकर लेप लगाएं, इससे जले हुए स्थान पर शीतलता का अनुभव होगा और ठंडक मिलेगी। अगर ज्यादा जलन है तो आलू का ये उपचार बहुत काम आता है। तुलसी के पत्तों का रस जले हुए हिस्से पर लगाएं, इससे जले हुए भाग पर दाग होने की संभावना कम हो जाती है। तिल को पीसकर लेप बनाइए और इसे लगाएं, इससे जलन और दर्द नहीं होगा। तिल लगाने से जलने वाले भाग पर पड़े दाग धब्बे भी चले जाते हैं। गाय के घी का लेप करें या पीतल की थाली में सरसों का तेल और पानी को नीम की छाल के साथ मिलाकर मरहम बनाएं और जले हुए स्थान पर लगाएं। गाजर पीसकर लगाने से जले हुए हिस्से पर आराम मिलता है। जलने पर नारियल का तेल लगाएं, इससे जलन कम होती है और आराम मिलता है, छाले भी नहीं पड़ते। जलने पर तुरंत इनमें से कोई चीज उपलब्ध ना हो तो तुरंत के तुरंत मिंट वाला कोई भी टूथपेस्ट लगा सकते हैं, इससे ना तो छाले पड़ेंगे और जलन भी कम होगी। नमक हर घर में होता है, नमक में कुछ बूंद पानी डालकर उसे पेस्ट बना लें और तुरंत जलने वाली जगह पर लगा लें। जले पर सूखा नमक छिड़कने से तो जलन हो सकती है, लेकिन अगर उसमें कुछ बूंद पानी डाल लेंगे तो आपको तुरंत ठंडक मिलेगी और छाले नहीं पड़ेंगे और ना ही त्वचा को कोई नुकसान होगा। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप जल जाते हैं तो आप जलने वाली जगह पर बिल्कुल भी पानी ना डालें, नहीं तो बहुत बड़े छाले पड़ सकते हैं और त्वचा को काफी नुकसान हो सकता है। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भविष्य में इस तरह के वीडियोस यूं ही देखते रहें।